आस्था का महापर्व छठ महापूजा पर उगते सूर्य को अर्घ्य मनाया गया। पाबंदियों के बीच आस्था के साथ मनाया गया छठ का महापर्व। पवित्रता और आस्था का लोक पर्व छठ पूजा का आयोजन मुंबई सहित पूरे देश में किया गया। छठ व्रतियों ने गुरुवार को दूसरा अर्घ्य उगते हुए सूर्य को दिया। कोरोना की वजह से इस वर्ष मुंबई मनपा ने प्राकृतिक जलाशयों एवं समुद्र तट पर नदियों में कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते कांदिली लोखंडवाला श्री सूर्यदेव पूजा समिति द्वारा वार्ड क्रमांक 28 के शिवसेना नगर सेवक शंकर हुंडारे के मार्गदर्शन में मैदान में कृत्रिम तालाब बनाकर लोगों को छठ पूजा में सहयोग देने का काम किया गया। इसके अलावा भजन संध्या के साथ मुफ्त दूध की भी व्यवस्था की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, मुंबई। जो हनुमान नगर में बाढ़ आई हुई थी, तो सोहम फाउंडेशन अपने के बीच राशन सब लेकर पहुंचा था। आप लोग के आशीर्वाद से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं और इसी तरह प्यार आप लोग कहते रहिए। मैं निस्वार्थ सेवा करता हूं, मेरा काम अभी भी अच्छा है। जो भी मुझे परेशान जाती है परमिशन को लेकर, तो ये सब मुझे हेल्प करते हैं। मेरे साथ मेरे भी सफान की सूर्यदेव भगवान की ये होना बात। मैं चाहता हूँ हमारे एकनाथ हुंडारे जी मंच पर आ जाए, थोड़ा ऊपर आ जाए मसूद, और राजेश गौड़ जी सब मंच पर आ जाए। सेवा में लगे हुए हैं, इनकी कोशिश करेंगे। अभी धीरे धीरे जुहू बीच समुद्र को छोड़कर हमारे लोग लोकल में ही करना शुरू कर चुके हैं। इतना अच्छा तालाब का व्यवस्था, ये पूरा श्रेय एकता शंकर हुंडारे जी को जाता है, उनके लिए जोरदार तालियां। ये जो छठ पर्व है ये राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपने भाई बहन का, जो हमारे उत्तर भारतीय लोग हैं, उनके लिए जो ये कर रहे हैं, मतलब हर जगह हो रहा है, लेकिन इनकी जो मैं देखता हूँ कि सबको हेल्प करना है। लोग मिशन आया हुआ था और आप लोग जो तालाब में इस पूजा का आयोजन देख रहे हैं, ये मनोकामना जो इनकी भी है, जितने भी यहाँ पे छठ पूजा कर रहे हैं इनकी भी। पहले सभी देशवासियों को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और श्री सूर्यदेव पूजा समिति के जितने भी शंकर हुंडारे साहब है, राजेश गौड़ है, शिव कुमार गुप्ता जी है, नितिन झा जी है, और क्या बोलते हैं धीरज विश्वकर्मा जी हैं, सबने, मसूरकर साहब हैं, सबने अच्छे तरह से सपोर्ट किया और हम मतलब पूजा करने में मतलब लोगों को सफल बनाने में सफल रहे। देशवासियों को